स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरव कुमार पांडे, रामदी जी पाठन इंस्टीट्यूट। बेटा, हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, जो पेपर अभी आप लोगों ने दिया नीट 2022 का, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग बात करेंगे आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसमें बेटा आपका पेपर का जो लेबल था, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो फिजिक्स का पेपर है वो काफ़ी इजी रहा है पिछले साल के कंपेयर में, नीट 2021 के कंपेयर में फिजिक्स का पेपर बेटा आपका इजी रहा है, केमिस्ट्री का पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है 2021 के कंपेयर में, और बायोलॉजी का पेपर बेटा थोड़ा सा अच्छा रहा है 21 के कंपेयर में। जैसा कि आप लोगों को हाईबिट थी बेटा 2020 और 2021 में कि आपको वन लाइन एंड क्वेश्चंस बायोलॉजी में मिल जाते थे, वो इस बार नहीं रहा बेटा। इस बार बायोलॉजी में उन्होंने जो क्वेश्चन रखा वो स्टेटमेंट वाइज 16 क्वेश्चन रखा, और 4 क्वेश्चन आपके बेटा एसर्शन रीजन बेस्ड रखा, बाकी उन्होंने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन उन्होंने रखा है आपका मैचिंग टाइप का, बाकी के क्वेश्चन जो है बेटा वन लाइन टू टू लाइन क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके बेटा एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का जो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका एनटीए के द्वारा हाइड है उस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बेटा आपका बोनस होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो बेटा ईएमएफ वाला क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने ये वैल्यू दी है, ये 10.05 वोल्ट वैल्यू दी है, ये वैल्यू बेटा अगर 1.05 होता तो आपका ये क्वेश्चन सही होता, बट इन्होंने इस क्वेश्चन में 10.5 वोल्ट वैल्यू दी है, जो कि एनटीए का मिस्टेक है बेटा। और बायोलॉजी में आपका वैस्कुलर बंडल वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बेटा सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, जो कि मिल नहीं रहा है, तो 3 क्वेश्चन बेटा आपके बोनस होंगे। इट मींस 12 मार्क्स उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन अटेम्प्ट को किया है वही बच्चा इसमें बोनस मार्क्स पाएगा, वो बच्चा कतई नहीं पाएगा जिसने इस क्वेश्चन अटेम्प्ट को नहीं किया है, ठीक है ना बेटा। अब आइए हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बेटा कट ऑफ का। देखिए बेटा, जैसा कि आप देखे थे 2021 जो ऑल इंडिया की कट ऑफ थी बेटा, वो जनरल कैंडिडेट की 610 थी। कितनी थी बेटा? 610 थी जनरल कैंडिडेट की, जो कि 15,870 रैंक इस नंबर पर बेटा जनरल कैंडिडेट का बन रहा। इसके बाद हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, और ओबीसी कैंडिडेट को ऑल इंडिया में बेटा 607 पे कॉलेज मिला, ठीक है ना। एससी कैटेगरी में बेटा 93,407 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल गया था, जिसमें नंबर था बेटा 476 नंबर था। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट थे बेटा, इनकी रैंक 1,07,511 तक 432 मार्क्स पर एसटी कैंडिडेट को एमबीबीएस मिला था। ये बेटा ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटे की बात नहीं है, जो कि 15% कोटा होता है ऑल इंडिया का बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बाकी 85% कोटा जो है वो आपका स्टेट में फिल किया जाता है। तो इस बार का जो कट ऑफ होगा बेटा नीट 2022 का, ठीक, ये बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई एक्यूरेट कट ऑफ हम नहीं देने जा रहे हैं। एक्यूरेट कट ऑफ बेटा एनटीए के द्वारा ही डिसाइड होगा, ये मेरा अपना एजम्पशन है, जो कि मैं पेपर को देखते हुए, पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए, नंबर ऑफ सीट को देखते हुए, ये एजम्पशंस मैं बेटा आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है बेटा, हर बार पेपर के अकॉर्डिंग
पेपर के अकॉर्डिंग। और हर बार ऐसा भी होता बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बढ़ने के साथ साथ कटऑफ जो है वो हर बार 10 से 12 नंबर एक्सीड करता है। वो इस बार भी एक्सीड करेगा, लेकिन उसका मेन रीजन जो घटने का हो रहा बेटा, वो आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल है। थोड़ा सा इस बार का जो पेपर है वो 2021 के कंपेयर में अच्छा रहा। मैं नहीं कह सकता कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पेपर को नहीं कर पाए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। इसलिए क्योंकि पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी है। बस पेपर में हुआ क्या है, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था बेटा उसमें उन्होंने स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चन रखे, जिससे थोड़ा सा बच्चों का टाइम लगा। लेकिन जिस बच्चे ने टाइम दिया है वो बच्चा आराम से बायोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर 85 तक स्कोर कर रहा है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो 90 की रेंज में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगा बेटा, पेपर में टाइम लगा है। जिस बच्चे ने पेशेंस रखा होगा बायोलॉजी में, इसके बाद वो आगे मूव ऑन किया होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरफ। हाँ, अगर जिस बच्चे ने बायोलॉजी करने के बाद फिजिक्स का पेपर उठाया होगा, उस बच्चे का तो समझिए बेटा बहुत अच्छा पेपर हुआ। रीजन, फिजिक्स का पेपर बच्चे को इस बार इजी मिल गया था। देन अगर वो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ा होगा तो वहां भी एक अच्छा स्कोर किया होगा। केमिस्ट्री का भी पेपर इजी टू मॉडरेट हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस एम्स के पैटर्न पर पूछे गए, एसएसएल रीजन के क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ वहां पर भी बेटा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कुछ पूछे गए। ठीक है, तो ये था आपका पेपर का स्टैंडर्ड बेटा, जिसकी वजह से कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली आपका जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला बेटा, देखिए एक बात मैं पहले भी बोल दिया कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये बेटा एनटीए ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल कट ऑफ क्या है। ठीक है ना, ये हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है मेरा अपना एजम्पशन है, जिसके बिहाफ पर मैं बेटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ये कन्फर्म कट ऑफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, कन्फर्म कट ऑफ नहीं है, लेकिन ये एक एजम्पशन है। और बेटा मोस्ट प्रोबेबल ये एजम्पशन आपका सही होगा। ठीक, देखिए बेटा जनरल का कट ऑफ जो इस बार जाने वाला है वो हम जो एज्यूम कर रहे हैं बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 610 प्लस माइनस 5 होने जा रहा है। 610 प्लस माइनस 5, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बेटा माइनस 5 की है, प्लस की नहीं है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी माइनस 5 की है। अब ओबीसी स्टूडेंट के लिए बेटा बेटा 605 प्लस माइनस 5 होगा। ठीक, इसमें भी माइनस 5 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद एसटी स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, एसटी स्टूडेंट की जो कट ऑफ जाने वाली बेटा ये 470 प्लस माइनस 5, मैं बार बार बोल रहा हूँ माइनस 5 के होने के चांसेस ज्यादा है। देन एसटी स्टूडेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो एसटी स्टूडेंट की जो कट ऑफ होने जा रही है ऑल इंडिया की वो 430 प्लस माइनस 5 होने जा रही है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का जो कट ऑफ होने जा रहा है बेटा वो 180 प्लस माइनस 5 होने जा रहा है। हाँ, ये कट ऑफ बेटा घटने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी जब इधर आ जाइए। दो बात हम आपसे कर ले रहे हैं बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने एनटीए की साइट पर भी पढ़ा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। इस बार जो भी कैंडिडेट पहले और दूसरे काउंसलिंग में अपीयर होकर सीट अलॉट कर लेगा, नेक्स्ट काउंसलिंग वो अपीयर नहीं हो सकता बेटा। अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो गई है तो नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल नहीं होंगे। इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिलने जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा आपका एनएमसी के द्वारा जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये डिसाइड किया जा चुका है कि अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें बेटा, इसमें से 50% सीट जो होगी वो गवर्नमेंट फी से भरी जाएगी, गवर्नमेंट कोटे से भरी जाएगी बेटा। तो ये बहुत बहुत ही हैप्पीनेस की बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा होता है, इसी साल अगर ऐसा हो जाएगा बेटा, तो ये आप लोगों के लिए एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी मेडिकल की दुनिया में, और
इसकी वजह से कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन बेटा ये और भी डिक्रीज करेगा, लेकिन ये होगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। हम तो यही करेंगे, ऊपर वाले से यही प्रे करेंगे कि ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाए और जिसकी वजह से हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जो बेटा हमारा अपना डिजायर है, जो इस इंस्टीट्यूट का डिजायर है, जो डीजी पाठन पूरी टीम का डिजायर है, उस सपने को आप लोग साकार करें बेटा। यही हमारी आप लोगों के लिए मनोकामना है। मेरा हर स्टूडेंट से एक बेटा स्टूडेंट और टीचर का ही लगाव नहीं, आप लोगों के साथ मेरा बेटा एक भाई का लगाव है। इस इंस्टीट्यूट इस संस्था के साथ हम अपने हर स्टूडेंट को ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे आपके बेटा स्वर्णिम भविष्य के लिए। कभी भी बेटा अपने रिजल्ट से निराश मत होना, हर समय अपने रिजल्ट को देखते हुए उसका इवैल्यूएशन करो और नए सिरे से बेटा अपनी पढ़ाई को लेकर एक्टिव हो जाओ। कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम लॉस ना करे। जिन भी स्टूडेंट के बेटा इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से नीचे नंबर जा रहा है, मैं उन स्टूडेंट से ये जरूर कहूँगा कि वो कुछ दिन के बाद मतलब अप्रॉक्सीमेटली बेटा 1 वीक के बाद आप लोग अच्छे से लग जाएं और अपने पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करना शुरू कर दें। बेटा रुके ना, थकना नहीं है आपको। ये जो जर्नी है ना मेडिकल की, ये थकने के लिए नहीं है। डॉक्टर कोई ऐसे नहीं बनता बेटा, डॉक्टर बनने के लिए उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए और किसी चीज से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए बेटा। जिस दिन आप इस चीज को डेवलप कर लोगे, उस दिन आप मेडिकल कॉलेज का रास्ता आपके लिए खुला होगा। मेरे प्यारे बच्चों, लग जाओ, एक नए सिरे से उठो और जागो। मेरे प्यारे बच्चों, अपने नए जुनून को जगाओ और एक बार दोबारा डॉक्टर बनने का जो आपका सपना है उसके लिए लग जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, संकल्प अगर ठाने हो बेटा डॉक्टर बनने का, तो दुनिया की कोई भी मंजिल आपको रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ, इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से आप नीट 2023 की जर्नी में लग जाइए। मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा हूँ जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो तो डॉक्टर बनेंगे ही। जो बेटा जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है, मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ कि अपना टाइम बेटा आप लोग नहीं लॉस करोगे और एक नए सिरे से अपनी तैयारी के लिए प्रिपेयर हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत बहुत बधाइयाँ आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। थैंक यू।